पटना में एनएम सीट सरकारी अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार के लापता हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, जिसे लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। इस मामले की जानकारी देते हुए बिहार एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर उनकी गाड़ी और मोबाइल को गंगा ब्रिज से बरामद किया है। मोबाइल खंगाला जा रहा है, साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जाँच की जा रही है। पटना के जो चिकित्सक हैं उनके गुमशुदगी के संबंध में, इस संबंध में जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है वो डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग के प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी द्वारा फ़ोन कर थानाध्यक्ष पत्रकार नगर को बताया गया कि इनके पति डॉक्टर संजय कुमार शाम में करीब 7:30 बजे से घर से गाड़ी से निकले हैं, जो अभी तक वापस नहीं उठे हैं और न ही फ़ोन उठा रहे हैं। उनके द्वारा 2 मोबाइल नंबर बताए गए कि दोनों पर उनसे संपर्क नहीं हो रहा। सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन में लिया गया। हालांकि इस संबंध में हमने एक कांड भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब मोबाइल का लोकेशन निकाला तो गायघाट के पास लोकेशन पाया गया। उसके बाद जो पुलिस की सर्च टीम गई तो गांधी सेतु पर लावारिस हालत में उनकी कार लगी हुई पाई गई। कार बंद थी तो घर पे खबर करके उनकी दूर। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 24 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 24 ऐप।